For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. सलमान खान इस साल दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने के लिए है तैयार, पर ये तूफान सिर्फ देश में ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इस बार इस तूफान को हमारे पड़ोसी मुल्क के दर्शक भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी हाँ, जहाँ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टाइगर जिंदा है दस्तक देने वाली है, वहीं चाइना में सलमान खान की दूसरी फिल्म बजरंगी भाईजान देगी दस्तक। बता दें, इस कबीर खान डायरेक्टोरियल वेंचर को 9,000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा और इस जबरदस्त स्क्रीन काउंट के साथ इस कॉमेडी ड्रामा से अपने पहले ही दिन 120 करोड़ की कमाई करने की उम्मीद की जा रही है। अगर आपको पता ना हो तो बता दे, कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 2015 में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दिया था, जहां सलमान खान, करीना कपूर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा मुख्य किरदारों में दिखाई दिए थे। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें अपने सुझाव बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ।